प्रभात, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ योगिता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उस नगरी में आए दिन अपराधी दे रहे घटना को अंजाम, अपराधियों में नहीं है पुलिस का कोई खौफ। एसआईएफ ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, कहा सभी आरोपियों को ही तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सड़क हादसे में दो की मौत, पांच घायल, झुंझुनू के बच्चे निकला थाना इलाके की घटना। सामूहिक दुष्कर्म मामले की चिंगारी पहुंची बीकानेर, आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा देने की हो रही मांग। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के थाना गाजी इलाके में एक महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध की आग शेखावाटी तक पहुंच गई है। इस घटना के विरोध में झुंझुनू में एसएफआई ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने और उक्त थाने के पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि अगर शीघ्र मांग पूरी नहीं हुई तो एसएफआई राज्यव्यापी आंदोलन पर उतरेगी। इस दौरान एसएफआई प्रदेश महासचिव सोनू जिलोवा, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, जिला महासचिव अरविंद गढ़वाल आदि मौजूद रहे हैं। सांचौर के निकटवर्ती राजकीय विद्यालय बन्ना की ठाणी अमरापुरी बीछावाड़ी में शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रवेशोत्सव 2019 को लेकर गांव के मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकाली गई है। संस्था प्रधान ने विद्यालय में पर्याप्त भौतिक संसाधनों की जानकारी देते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही है। इस दौरान शिक्षक सुरेंद्र ठाका ने बताया कि इस बार नामांकन में भारी बढ़ोतरी हुई है, लोगों में विश्वास बढ़ा है। इस अवसर पर संजय कुमार, दीपक कुमार, सलमा बानू, दिग्विजय सिंह राणावत और ग्रामवासी मौजूद रहे हैं। झुंझुनू के बचेरी कला थाना इलाके के हरियाणा बॉर्डर की सीमा पर हुए सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई है, वहीं पांच अन्य घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो यह हादसा बोलेरो गाड़ी पलटने से हुआ है, लेकिन पुलिस किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर होने की बात कह रही है। इसी दिशा में पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो सूचना मिली कि कुछ युवक हरियाणा के नांगल चौधरी के पास गांव में शादी में जाकर आ रहे थे, उसी दौरान हादसा हो गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ी के संयोग से घायलों को बुआना के सरकारी अस्पताल में लाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने अनिल पुत्र सहीराम मुरादपुर और अंकित पुत्र धर्मपाल जाट को मृत घोषित कर दिया और अन्य पांच घायल युवकों को प्राथमिक उपचार देने के बाद झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। गाड़ी में घायल मनीष पुत्र धर्मपाल निवासी भैंसावता, परमेंद्र पुत्र घीसाराम निवासी मुरादपुर, नीतीश पुत्र नरेंद्र निवासी मुरादपुर, प्रदीप पुत्र शीश राम निवासी शाहपुर, पंकज पुत्र द्वारा सिंह निवासी मुरादपुर साथ थे। ये रात्रि करीब 1 बजे की बात है, हमारे पास अचानक कोई टेलीफोन आया हम कि हरियाणा बॉर्डर के पास में बुलेरो एक्सीडेंट हुआ। हम दौड़ के गए, खंडा जी भी आ गए थे, हम भी पहुंच गए थे। पांच मजरूब थे और दो किले दोस्ती थी। हमने उनको गाड़ी में डाला और PSC भवाना पहुँचाया उनको, वहाँ पर उनको चक्कर मारा, दो ने डॉक्टर ने दो को मर्द घोषित कर दिया। पांच मजरूर थे जिनमें एक सीरियस था जिसको झुंझुनू रेफर किया। और आज सुबह जो मृतक थे उन दोनों का पोस्टमार्टम करा के लाश को तजनों कर दिया। अज्ञात हाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी तलाश जारी। ये एक गैली गांव है हरियाणा में, वहां पर शादी में जाकर वापस आ रहे थे।
अलवर के थाना गाजी में महिला को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म मामले की चिंगारी अब बीकानेर तक पहुंच गई है, जहां आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने और पीड़िता को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर कल लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट कुमारपाल गौतम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा महिलाएं भी शामिल रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि प्रदेश में गुंडा राज बन गया है। अलवर के थाना गाजी इलाके में जिस प्रकार एक राहत चलती महिला को गाड़ी से उतारकर उसको बंधक बनाकर दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका वीडियो वायरल कर दिया, यह घटना समाज को झकझोर कर देने वाली है और कहा कि इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायालय में ट्रायल करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि आम जनता को कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रहे। अगर समय रहते मांग को सरकार ने नहीं सुना तो बीकानेर के नौजवान सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। मजदूर आदमी हूँ, घर में आज हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके सर पे ये चोट कैसे आई है? इसने मारी, पूरे ये इसने मारी है, चार पांच बंद गए बंदूक 28 तारीख। जी बताएं क्या मामला है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला एक पिता ने अपने बेटी को दो बच्चियां बनाई थी, ठीक है, उसके लिए कोई थोड़ा प्रॉब्लम है, घरेलू भी आदमी है वो की वो लोग दारू पी के साधु भाई लगते हैं, ये कुछ भी नहीं लगते हैं। और ये है, अरे भाई भाई ये ना करना, ये ना। इनके साधु भाई ने घर पे रात को 2 बजे करीब 17-18 आदमी आके और रिवॉल्वर लेके हाथों के अंदर हथियार भी थे, ठीक है, और फायरिंग किया गया गली के अंदर। हमारे पास वो वीडियो भी अपलोड है। कौन थे आदमी? आदमी इनके जो साधु भाई हैं। क्या नाम है? नाम लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी लक्ष्मण आचार्य। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव अशोक विजयवर्गीय ने बताया है कि मानव सेवा को सर्वोपरि मानने वाली रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 1983 में किया गया था। उस समय बूंदी में इस तरह की कोई संस्था भी नहीं थी और इस तरह की संस्था की आवश्यकता होने के कारण तत्कालीन जिला कलेक्ट्रेट अरविंद मायर राम ने 60 लोगों के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कर इसे प्रारंभ किया था। आज रेड क्रॉस विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से सेवा के कार्य में जुटा हुआ है। विश्व रेड क्रॉस दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 150 वर्षों से पूरे विश्व में रेड क्रॉस के स्वयं सेवक असहाय और पीड़ित मानवता की सहायता के लिए काम करते आ रहे हैं। बीकानेर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, इसके परिणाम 23 मई को आएंगे। इसमें पहले दोनों प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट्स का भाग्य ईवीएम में मशीन में कैद हो गया है, जो कि फिलहाल पॉलीटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है। इसके सुरक्षा के तौर पर जिला प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने बताया कि स्ट्रांग में पड़ी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 3 लेयर बनाए गए हैं और इसके अलावा स्ट्रोक रूम में एक कैमरा भी लगा हुआ है, जो कि 24 घंटे चालू रहेगा और स्ट्रोक रूम में हो रही हर एक गतिविधि उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। और वहीं गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कॉलेज के ग्राउंड में पॉलिटिकल पार्टियों के कैंडिडेट्स के लिए भी जगह बनाई गई है, जहां से वे लाइव स्ट्रांग रूम में हो रही हर गतिविधि को देख सकते हैं। गौरतलब है कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र से 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस से मदन गोपाल, बसपा से भैरा राम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट से शोपत राम, अम्बेडकर राइट्स पार्टी ऑफ इंडिया से घनश्याम मेघवाल, जनसंघर्ष विराट पार्टी से त्रिलोकी नारायण हटीला, हिंदुस्तान निर्माण दल से पूनम चंद और निर्दलीय के रूप में अर्जुन राम व बाबूलाल प्रत्याशी बने हैं। ऊपरी होती है और उनको पूरे चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षित जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखा गया है।
मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका 3 कॉर्डनिंग सिस्टम है, मतलब 3 लेयर हैं सुरक्षा की, 3 लेयरों के अंदर इसकी सुरक्षा रखी गई है। और जो स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ मशीनें रखी गई हैं उनको पैक किया गया है, उनकी हर समय उनका ऊपर एक बेव कैमरा लगा हुआ है और उसकी हमेशा रिकॉर्डिंग रहेगी, वो 1 सेकंड के लिए कभी भी बंद नहीं रहेगा। बाहर जो है पॉलिटिकल पार्टी या उनके कैंडिडेट के बैठने की व्यवस्था भी की गई है कि वो उसको लाइव देख सकें कि वो उनके स्ट्रॉन्ग रूम बिल्कुल सेफ़ है, कहीं कोई आ नहीं जा रहा। और वहाँ अगर कोई स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ जाता है तो वो उसको अपनी एंट्री करनी होती है, पूरा प्रोटोकॉल है उसका, और एंट्री के बाद ही उसको CPMF अलाउ कर सकती है, और वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ, कोई भी व्यक्ति वहाँ अंदर ऐसे नहीं जा सकता है। अलवर मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए थानाधिकारी और SP को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में बीजेपी नेता ज्ञान देव आहूजा ने CM और Deputy CM को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देकर वनवास जाना चाहिए। आहूजा यही नहीं रुके और कहा कि राजस्थान में बलात्कार जैसे मामलों की भरमार आ रही है। एक समय था जब भाजपा की एक घटना पर कांग्रेस चिल्लाती थी, अब कांग्रेस क्या जवाब देगी? अल्पेश ठाकरे को विधायक पद से हटाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास कांग्रेस पहुंची है। वहीं अल्पेश ठाकुर के बीजेपी आला नेताओं के साथ की तस्वीरें वायरल होने से भी अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्पेश ठाकुर को लेकर गुजरात में एक बार फिर राजनीति गरमा गई है। अल्पेश के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बुधवार सुबह उनके घर पर हुई पूजा में बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वाधानी और गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा शामिल हुए हैं। उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद एक बार फिर अल्पेश के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें काफी तेज हो गई है। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे वस्त्र नगरी में आए दिन अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कल दोपहर में 2 अज्ञात लुटेरों ने कपड़ा व्यापारी पर जानलेवा हमला कर नकदी लूट ली। लुटेरों ने वारदात को चित्तौड़गढ़ रोड स्थित ओवरब्रिज के निकट अंजाम दिया। कपड़ा व्यापारी अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन से घर छोड़कर अपने दफ्तर जा रहे थे, उसी वक्त 2 अज्ञात बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। कपड़ा व्यापारी ने रिपोर्ट देकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने गुरुवार को सिया थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बारहट ने मालखाना, क्राइम रिकॉर्ड रूम, स्टाफ रूम, मैस रूम और थाना परिसर की साफ सफाई आदि का जायजा लिया। वहीं बारहट ने थाना स्टाफ के साथ बैठकर पुलिस मुख्यालय और DGP कपिल गर्ग के निर्देशानुसार पुलिस के नए आदेशों की जानकारी देते हुए हल्का बीट प्रभारी कांस्टेबल को बीट संधारण, कोटैल सी प्रतावली संधारण करने, पेंडिंग मुकदमों को जल्द निस्तारण, वांछित अपराधियों के धरपकड़ और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस वृत्ताधिकारी दिनेश मीणा, थानाधिकारी बाबू राम टेलू, ASI जयमल राम बिश्नोई, उगम सिंह हेड कांस्टेबल, प्रकाश चौधरी, गोविंद राम देवी सिंह कांस्टेबल, लिखमा राम चौधरी, हरचंद राम बिश्नोई, बचना राम सहित समस्त थाना स्टाफ कर्मी मौजूद रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।